पहले ये समझेंगे लेजीनेस का स्कोप क्या है, लेजीनेस का दायरा कहां है और कहां से कहां तक ये लेजीनेस में शुमार कर सकते हैं हम, ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि लेजीनेस और सुस्ती अलग अलग फॉर्म्स में होती है, अलग अलग तरीके से आती है, उसके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, लेजीनेस के भी स्टाइल्स होते हैं। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले ये डिफाइन करें कि व्हाट इज लेजीनेस। उसका ट्रीटमेंट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द सिकनेस, कि बीमारी क्या है, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। इफ वी डोंट नो व्हाट इज इट दैट वी आर डीलिंग विद, कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं, ये बीमारी क्या है, तो उसका इलाज कैसे कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि लेजीनेस कैसे कैसे फॉर्म्स में होती है, लेजीनेस कैसे प्रकट होती है, कैसे दिखाई देती है, कैसे हम पहचान सकते हैं यस दिस इज लेजीनेस। ये वही सुस्ती है जिस चीज को हमें ट्रीट करना है, जिस चीज का हमें इलाज करना है। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज लेजीनेस, ये हमारा सबसे पहला गोल है। तो आप सबके लिए मैं फ्लोर को ओपन करता हूं। अब आप लोग बताएंगे कि व्हाट इज लेजीनेस, सुस्ती है कैसे, हम कैसे पहचान सकते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लेजीनेस, हाउ डू वी आइडेंटिफाई, कैसे हमें पता चलेगा। आप में से कौन स्टार्ट करेगा? यस हाँ, एक है कि वी हैव टू बी इन आ कंफर्ट जोन। क्या आदमी कंफर्टेबल रहना चाहता है जिंदगी में? ओके, तो ये एक फॉर्म हुआ। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर सोया है तो उठना नहीं चाहता है, बैठा हुआ है तो खड़ा नहीं होना चाहता है, कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ करना नहीं चाहता है। मतलब एक फॉर्म ऑफ इनएक्टिविटी, एक तरीके की इनएक्टिविटी लेजीनेस है। मतलब जहां वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस। ये सबसे कॉमन फॉर्म है जो आपने स्टार्ट किया, ये कॉमन फॉर्म है और कई लोग यहीं पर रुक जाते हैं। कई लोग समझते हैं यही लेजीनेस है, हालांकि सुस्ती के फॉर्म्स इससे आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू सी कौन उसे वहां तक आइडेंटिफाई कर सकता है जहां तक हम देखते हैं कि ये सारी चीज खींचती है इंसान को। वी हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द सिकनेस, की बीमारी कहां तक पहुंचती है, तो कौन इसे आगे बढ़ा सकता है। यस, एक हाथ यहां से एक हाथ वहां से। जी आप बताइए पहले। स्टूडेंट को एग्जाम में पढ़ना है। हाँ हाँ, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, वो कल उसका आता ही नहीं, काम आ जाता है, फिर रिजल्ट दिया जाता है, कल नहीं आता। तो आपने एक इसका एक मिसाल बताया जो इसका एलैबोरेशन है, फर्स्ट पॉइंट का एलैबोरेशन, बल्कि एक मिसाल है कि एक मिसाल है जब एग्जाम्स आ रहे हैं, कल 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 होते होते फाइनल एग्जाम टाइम आ जाता है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ होता है या दूसरों के साथ भी होता है? सबके साथ, मतलब ऑफिसेज में भी होता है कि स्टाफ को बोले करो, हाँ करूँगा, कल करूँगा, ये मैं बाद में करूँगा। कई बार स्टाफ या सिर्फ बॉस भी, स्टाफ या बॉस भी, बॉस के साथ भी होता है, खुद अपने साथ लोग करते हैं कि अपने बिजनेस को पीछे करने में कई बार खुद वो बिजनेस के ओनर का और बॉस के कंपनी के मालिक का हाथ होता है या कंपनी के मैनेजर का हाथ होता है, बोले कि ये कल करूंगा। हाँ, तो ये सबके साथ होता है। अच्छा ये बताइए कि एक शख्स है जो एक्टिव है, सुस्त यानी कि वो कुछ नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, वो कर रहा है लेकिन बैठ करके सोशल मीडिया, फेसबुक एक्टिव है। मतलब जो डेफिनेशन हमने कहा ना कि कुछ नहीं कर रहा है, ये वो डेफिनेशन में फिट हो रहा है, कर रहा है ना वो कुछ। क्या आप कह रहे हो एक्टिव नहीं, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, फास्ट फास्ट फॉरवर्ड। देखा आपने जो सैवी होते हैं ना, इट्स अमेजिंग किस तरह से उनके दिमाग चलता है, किस तरह से वो फटाफट। लेकिन एक्टिव तो है, अभी लेजी है या नहीं है? वो प्रोडक्टिव नहीं है, लेजी है या नहीं है? लेजी है, नहीं है। तो हम ये देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, कि उसे जो करना चाहिए अगर वो नहीं कर रहा है तो इन रियलिटी ही इज बीइंग लेजी। हाँ, अगर वो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है जिसका काम रोजी रोटी, जिसकी प्रोडक्टिविटी यही है कि मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ, मैं बिजनेसेस को प्रमोट करता हूँ, मैं सोशल मीडिया के जरिए कुछ प्रोडक्टिव करता हूँ, तो फाइन, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो काम कर रहा है अपना। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, जैसे बहुत सारे लोगों का यही होता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स, प्रमोशन वाले पीपल तो बहुत माइनॉरिटी होंगे, लेकिन लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो होते हैं जो अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया में वाइल अवे करते हैं। हाँ, तो ये भी एक फॉर्म है लेजीनेस का जो हमें समझना चाहिए, लेकिन तब जब हम कोई दूसरे इंपॉर्टेंट काम को छोड़ कर वो कर रहे हैं। हाँ, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। जी लेजीनेस के और फॉर्म्स बताइए। चलिए मैंने थोड़ा सा उसके अंदर एक्सपांड करके बताया, आई वॉन्ट यू टू टेक इट फॉरवर्ड। अब यहां से आप लोग आगे बढ़ाइए, कौन बताएगा? यस सिस्टर, डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, एनी बॉडी मूवमेंट, कुछ करना है, होम इज अ मैस,
चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग, बच्चों का वक्त जा रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बचपन गुजर रहा है, मदर कैन डू सो मच टू बिल्ड एसेट्स फॉर द सोसाइटी, इन्वेस्टमेंट्स फॉर सोसाइटी, दिस इज हर इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड, हाँ, लेकिन वो नहीं कर पा रही है बिकॉज शी इज लेड बैक, लेजी. तो यस, यू हैव राइटली सेड दिस इज अ एक्सपांशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. और बताइए, कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा काम करना होता है जो जरूरी है, एसेंशियल है, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन वो बड़ा काम, अहम काम छोड़ करके आदमी इजी और छोटा काम करता है, कर रहा है, काम कर रहा है, ही इज नॉट नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, कर रहा है, लेकिन एक ऐसा काम कर रहा है जो इनसिग्निफिकेंट है, गैर जरूरी है, गैर अहम है, जिससे उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पैदा होने वाला है, काम है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड वर्क होते हैं ना कुछ, बड़ा काम छोड़ करके नुकसान करके ये कर रहा है. तो वी से दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, ये भी एक फॉर्म है ऑफ लेजीनेस, जहां उसे अपनी सुस्ती की वजह से उसका दिल उसे, एक तो वो शख्स है जो कुछ ही नहीं कर रहा है, लेकिन उससे एक स्टेप फॉरवर्ड ये भी एक शख्स है जो उसे करना चाहिए वो नहीं करके वो कुछ और कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए उस टाइम, ये भी एक फॉर्म ऑफ लेजीनेस है. व्हाट डू यू से? हाँ, ये भी एक फॉर्म है. तो हम जो डील करेंगे, हम ये सब फॉर्म्स को एक साथ में पहले क्लब टुगेदर कर लेते हैं, सब फॉर्म्स को एक बार मिला लेते हैं, फिर सब की दवा एक साथ में ट्रीटमेंट करेंगे. ओके, और कोई फॉर्म है जो बताइए, एनी अदर फॉर्म? जी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छा डिमेंशन ओपन किया आपने, कि कोई काम है जो फास्ट स्पीड में खत्म करना है, क्विकली खत्म करना है. अब वो घंटों तक लेके बैठे रहो, जैसे होता है ना कई बार एम्प्लॉयज के साथ, कि भाई ये काम तो तुम्हें 5 मिनट में खत्म करना चाहिए था, आप 2-2 घंटे से क्या कर रहे हो. तो ये भी एक फॉर्म ऑफ लेजीनेस है, है ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ लेजीनेस है. और बताइए, द डिस्कशन इज ओपनिंग अप. जी जी, ओके, यू वांट टू डू समथिंग बट यू आर जस्ट डूइंग समथिंग एल्स, सो यू डोंट टू रेडी टू डू दैट वर्क. ओके, यू आर वेस्टिंग टाइम समवेयर एल्स, जो अहम काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, है ना. या यू आर राइट. और बताइए, और एक्सपांड करिए, एनीथिंग एल्स, कोई और चीज लेजीनेस के अंदर? जी, वेरी गुड. कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है लेकिन एफिशिएंसी कम है. एफिशिएंसी किस एतबार से? टाइम एफिशिएंसी होती है, रिजल्ट्स एफिशिएंसी होती है. मतलब कोई काम को ये लेवल तक करना चाहिए तो आदमी ये लेवल तक कर रहा है, मतलब किया काम. ही इज नॉट दैट टाइप के कुछ नहीं कर रहा है. ये लेजी इंसान के डेफिनेशन के वो डेफिनेशन के एक्सपांडेड वर्जन में आएगा, यानी ये काम तो कर रहा है बट उतना नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, जो एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए, जो लेवल के साथ करना चाहिए, जो एक्सेलेंस के साथ करना चाहिए, जो रिजल्ट के साथ करना चाहिए, जो क्वालिटी के साथ करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, काम चलाओ काम कर रहा है. ये भी एक टाइप ऑफ लेजीनेस है. जी, तो आपने जो एफिशिएंसी का एंगल ऐड किया, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर. और बताइए, और कोई चीज? ईगो, हाउ? वेरी गुड. कभी कभार ये होता है कि वो कर रहा है, मैं क्यों करूं. इसके अंदर कई बार एक टालने वाली बात है कि कोई होता है बलि का बकरा, कोई होता है बस ये काम तुम्हारे ऊपर, कोई होता है कोई एक सप्रेस दबा हुआ पर्सन होता है ऑफिस में, और बाकी के लेजी लोग होते हैं जिनके नॉर्मल साइन ये होती है कि तुम ये करोगे. तो ये कॉमन प्रॉब्लम है. जी, चले अभी हम बढ़ते हैं आगे, इसके क्या क्या नुकसान है क्विकली देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ. अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है. आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए. अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें. आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है.